वेलकम फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है एंजाइम। एंजाइम क्या है, इसकी परिभाषा, नामकरण, प्रकार व प्रकृति, विशेषता व क्रियाविधि के बारे में संपूर्ण जानकारी आज प्राप्त करेंगे। तो चलिए देखते हैं एंजाइम। इस उत्प्रेरक पदार्थ का एंजाइम नाम सर्वप्रथम कूने नामक वैज्ञानिक ने सन 1878 में दिया था। उसके बाद जेबी सुमनर ने 1926 में सर्वप्रथम एंजाइम के रासायनिक संरचना का अध्ययन किया। जेबी सुमनर द्वारा एंजाइम की परिभाषा यह है कि एंजाइम सरल अथवा जटिल प्रोटीन्स होते हैं जो किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, अर्थात गति को प्रभावित करते हैं। गति को प्रभावित करने का मतलब यह है कि वह किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की गति को धीमी कर सकती है या तीव्र कर सकती है। एंजाइम को दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं, एंजाइम जीवित कोशिका द्वारा जो उत्प्रेरक पदार्थ स्त्रावित करते हैं उनको एंजाइम कहते हैं। एंजाइम को साधारणतः बायोकैटेलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये जीवधारियों के शरीर की कोशिकाओं में विभिन्न बायोकेमिकल प्रक्रियाओं, अर्थात बायोकेमिकल यानी जैव रासायनिक प्रक्रियाओं या उपापचयी प्रक्रियाओं को सामान्य ताप पर सरलता एवं तीव्र गति से पूरा करने में सहायक होते हैं, अर्थात उपापचय प्रक्रियाओं की गति को बढ़ा देते हैं। एंजाइम स्वयं में परिवर्तन किए बिना जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्तेजित करते हैं। ये प्रक्रिया के समाप्त होने पर इनके अंतिम उत्पाद को प्रभावित किए बिना स्वयं ज्यों का त्यों, अर्थात प्राथमिक स्थिति में बने रहते हैं। किसी भी एंजाइम की सूक्ष्म मात्रा बायोकेमिकल प्रक्रिया या जैव रासायनिक प्रक्रिया को उत्तेजित करने के लिए काफ़ी होती है, अर्थात इनार्मिटी ऑफ रिएक्टिव पावर इसकी मुख्य विशेषता है। अब एंजाइम का नामकरण देखते हैं। सामान्यतः एंजाइम के अंत में एज जुड़ा रहता है। किसी भी एंजाइम का नाम उसके प्रभाव अथवा उसके द्वारा प्रभावित होने वाले विशिष्ट पदार्थ या सबस्ट्रेट के नाम के अंत में एज सफिक्स लगाकर एंजाइम का नामकरण किया जाता है, अर्थात एंजाइम द्वारा प्रभावित होने वाले पदार्थ के अंत में एज लगाकर उसका नामकरण किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए यूरिया का जल अपघटन करने वाले एंजाइम यूरिएज तथा फास्फेट का विघटन करने वाले एंजाइम फास्फेटेज कहलाते हैं। इसी प्रकार फास्फेट और यूरिया के अंत में एज जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार सुक्रोज के ऊपर प्रतिक्रिया करने वाले एंजाइम सुक्रेज होते हैं, तथा कुछ पदार्थों के पीछे एच के स्थान पर लाइटिक सफिक्स का प्रयोग किया जाता है या लाइटिक शब्द का प्रयोग करके एंजाइम का नामकरण किया जाता है। जैसे प्रोटीन के ऊपर प्रतिक्रिया करने वाले एंजाइम प्रोटियोलाइटिक कहलाते हैं। अब एंजाइम की रासायनिक प्रकृति। एंजाइम को उनकी रासायनिक दृष्टि के आधार पर दो समूह में बांटा गया है। पहला है सरल प्रोटीन एंजाइम, ये एंजाइम सरल प्रोटीन के बने होते हैं। दूसरा है जटिल प्रोटीन एंजाइम, इसे कॉन्जुगेटिव एंजाइम या कॉम्प्लेक्स एंजाइम भी कहते हैं। इस प्रकार के एंजाइम जटिल प्रोटीन के बने होते हैं, जिसमें नॉन प्रोटीन अर्थात अप्रोटीन समूह विशिष्ट प्रोटीन से जुड़ा रहता है। ये दोनों प्रोटीन अर्थात नॉन प्रोटीन और विशिष्ट प्रोटीन को अलग कर दिया जाए तब एंजाइम क्रियाहीन हो जाता है। एंजाइम का अणु भार 20,000 से लाखों की संख्या में होता है, अर्थात इसका अणु भार उच्च होता है। इसके बाद एंजाइम की विशेषताएं। इसका पहला विशेषता है अधिकांशतः एंजाइम जल या नमक के घोल में घुलनशील होते हैं। ये प्रायः रंगहीन होते हैं, लेकिन कुछ पीले, हरे, लाल या भूरे रंग के भी होते हैं। दूसरा है एक एंजाइम केवल एक ही प्रकार के सबस्ट्रेट या पदार्थ पर प्रभाव डाल सकता है, किसी और अन्य पदार्थ पर नहीं। उदाहरण के लिए पेप्सिन एंजाइम यह भोजन में केवल प्रोटीन का पाचन करता है, कार्बोहाइड्रेट व वसा का नहीं। इसलिए एक एंजाइम एक ही पदार्थ पर प्रभाव डालता है, किसी दूसरे पदार्थ पर नहीं। एंजाइम केवल प्रक्रियाओं की दर को बढ़ाता है, अर्थात उसकी गति को धीमी कर सकती है या अधिक कर सकती है। यह प्रतिक्रियाओं का निर्धारण नहीं करती, अर्थात कौन से उत्पाद बनेंगे या नहीं बनेंगे इसका निर्धारण नहीं करती है। अधिकांश एंजाइम कोशिका द्रव्य में घुले रहते हैं
परंतु कुछ विशिष्ट अंगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम आदि में एंजाइम पाए जाते हैं। एंजाइम जीन के अनुसार बनते हैं। कुछ एंजाइम की क्रियाशीलता उनके साथ जुड़े हुए नॉन प्रोटीन अर्थात अप्रोटीन भाग जैसे मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, क्लोरीन, विटामिन बी होते हैं। इन अप्रोटीन भाग से जुड़कर एंजाइम क्रियाशीलता को बढ़ाता है। ऐसे नॉन प्रोटीन या अप्रोटीन भाग को कोएंजाइम कहते हैं। अब एंजाइम की क्रियाविधि देखते हैं। एंजाइम की क्रियाविधि के बारे में तीन परिकल्पनाएं हैं, जिसमें पहला है ताला कुंजी या टेम्पलेट परिकल्पना। इस परिकल्पना का प्रतिपादन एमिल फिशर नामक वैज्ञानिक ने सन 1884 में किया था। इस परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक एंजाइम के अणु की संरचना विशेष प्रकार की होती है, जिसे टेम्पलेट या ताला कहते हैं। अर्थात एंजाइम की संरचना को ताला कहते हैं। इसमें कोई ऐसा ही सबस्ट्रेट या कुंजी जुड़ सकता है जिसका अणु एंजाइम अणु के विशेष भाग में फिट हो सकता हो। अर्थात एक निश्चित ताले के लिए एक निश्चित चाबी होती है, उसी प्रकार एक निश्चित संरचना के लिए या निश्चित एंजाइम के लिए एक निश्चित पदार्थ होती है। अर्थात जो पदार्थ एंजाइम के खांचे नुमा संरचना या गड्ढे नुमा संरचना में फिट बैठता है, उसे ताला कुंजी या टेम्पलेट परिकल्पना कहते हैं। दूसरा परिकल्पना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स परिकल्पना है। हेनरी ने सन 1903 में इस परिकल्पना का प्रतिपादन किया था। हेनरी के अनुसार एंजाइम अणु के टेम्पलेट अर्थात एंजाइम के खांचे नुमा संरचना में सबस्ट्रेट अर्थात पदार्थ के अणु फंस कर एक यौगिक बना लेते हैं। इस प्रकार बना हुआ एंजाइम सबस्ट्रेट अणु अत्यधिक क्रियाशील होता है, और जब एंजाइम सबस्ट्रेट अणु को जल के साथ क्रिया कराते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट अर्थात पदार्थ से अलग हो जाते हैं और फिर दूसरे सबस्ट्रेट अर्थात पदार्थ के अणु से क्रिया करता है। इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स परिकल्पना का प्रतिपादन माइकेलिस एंड मेंटेन ने किया था। तीसरा परिकल्पना है इंड्यूस्ड फिट मॉडल परिकल्पना। यह परिकल्पना किस लैंड ने सन 1963 से 64 में प्रस्तुत की थी। इस परिकल्पना के अनुसार एंजाइम की आणविक संरचना निश्चित नहीं होती है, अर्थात इसकी संरचना परिवर्तित होती रहती है। एंजाइम प्रतिक्रिया के दौरान सबस्ट्रेट अर्थात पदार्थ के प्रभाव से एंजाइम के अणु की संरचना में एक विशेष ऐसा परिवर्तन होता है कि वह अपने सबस्ट्रेट अर्थात पदार्थ के अणु से जुड़ सके। अर्थात एंजाइम के अणु परिवर्तनशीलता व लचक पाई जाती है, जिससे यह अपने सबस्ट्रेट अर्थात पदार्थ के अणु की संरचना के अनुसार बदलकर अपने आप को बदलकर पदार्थ के अणु से जुड़कर प्रतिक्रिया करता है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिए।